ये स्पेशली वीडियो मेरे जूते का साइज बताओ कितना है। पहले यहाँ तक पहुँचो, उसके बाद मेरे जीवन में पहुँचना वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूट्यूबर अरमान मलिक का रिएक्शन कैरी मिनाटी की नई वीडियो पर। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि कैरी मिनाटी ने अपने नई वीडियो में चार बड़े ब्लॉगर्स को रोस्ट किया है, जिसमें से फ्लाइंग बीस्ट, सौरभ जोशी एंड टेक्निकल गुरु जी, इन तीनों का ही रिप्लाई देखने को मिल चुका है। और दोस्तों इन तीनों ने ही कैरी मिनाटी की वीडियो को लाइटली लिया था। पर दोस्तों आपको बता दें, अरमान मलिक ने कैरी मिनाटी की नई वीडियो पर अपना गुस्सा जताया है। तो दोस्तों आखिरकार उन्होंने कैरी मिनाटी की नई वीडियो के बारे में क्या कहा है, कैरी मिनाटी के बारे में क्या कहा है, पूरी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों अरमान मलिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, मेरी दो बीवी हूँ या चार, तेरे को क्या, मुझे तेरे जैसे नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक दो, समझ में आया, यो अपनी हद में रहो। तो दोस्तों इस इंस्टा स्टोरी को देखकर ऐसा साफ साफ पता लग रहा है कि वो कैरी मिनाटी की नई वीडियो से खुश नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अरमान मलिक की एक छोटी सी वीडियो के लिए भी बहुत तेजी से वायरल हो रही है, तो वो भी बिना किसी तरीके देख लो। इतने ज्यादा घटिया लोग हैं, मतलब जितना बोला जाए उतना कम है। लोगों ने ना उसके डीएम में जाके ना इतनी गालियां दी हैं, इतना कुछ बोला है, तू इसकी तीसरी वाइफ है, फलाना है, झगड़ा है। तो यार थोड़ी सी अपनी सोच को चेंज कर लो और किसी को ऐसे डीमोटिवेट मत करो, डिफेम मत करो। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पर कुछ घटिया लोग हैं जो अपनी आदतों से बाज नहीं। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बता दें, कैरी मिनाटी के इंस्टाग्राम पोस्ट पर हमें अरमान मलिक की वाइफ पायल मलिक का भी एक कमेंट देखने को मिला, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, हर चीज की एक हद होती है, पर कैरी भाई तुम बहुत ओवर स्मार्ट बनते हो, शेम ऑन यू। तो दोस्तों अब आप लोग हमें कमेंट पर बताओ कि आप लोगों को अरमान मलिक एंड पायल मलिक का रिएक्शन कैरी मिनाटी की नई वीडियो पर कैसा लगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतने, मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर एक और वीडियो में। सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से रह रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक वीडियो के बारे में, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कैरी मिनाटी ने एक वीडियो निकाला हुआ था, जो कि ब्लॉगर के ऊपर निकाला हुआ था वो वाला वीडियो। तो वो वाले वीडियो पर इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है और इतनी सारी हर चीज़ चल रही है, क्योंकि उस वीडियो का ना भाई कुछ पॉइंट जो है ना किसी को ना बहुत ज़्यादा बुरे लगे हैं। जैसे कि फ्लाइंग विस्टर, क्योंकि अपना रिप्लाई दिया, जो कि आप देख सकते हो। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। टेक्निकल गुरुजी ने कहा, तू तो धोती खोल रहा है मेरी, रुक अब तुझे खरीदता हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। गौरव तनेजा ने कहा, छोटा भाई समझ के माफ कर रहा हूँ, वरना मैं भी रोस्ट कर देता तुझको, लव एंड रेस्पेक्ट फॉर योर हार्ड वर्क। सौरभ जोशी ने कहा, हा हा हा, ड्रीम कम्स ट्रू, फाइनली कैरी भाई तुमने मुझे रोस्ट कर ही दिया, लव यू एंड आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। ऊपर निकाला हुआ है और सौरभ जोशी ब्लॉग और अरमान मलिक, ये सब लोगों के ऊपर उन्होंने ब्लॉग निकाले हुए थे। टेक्निकल गुरु जी, इन लोगों के कहाँ कहाँ से रिप्लाई आए, क्या कैसे कैसे रिप्लाई आए हैं, तो वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ कि वो उन्होंने क्या रिप्लाई में बोला है, कैसे स्टोरी डाली है, क्या क्या कहा है और कैसे कहा है। क्योंकि अरमान मलिक जो है, पहले मैं बात करता हूँ अरमान मलिक की, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अरमान मलिक की दो शादियाँ हैं, तीन बच्चे हैं, जो कि दो तो अभी प्रेजेंट में, वो चार हो गए, सॉरी एक के दो हुए, बट उसको बुरा लगता है अगर उसके बीवी के बारे में कोई भी बोलता है। जो भाई तुम्हें काम तो ये कर रहा है वो तो सारे अब सब लोगों को दिख रहा है और इसके यूट्यूब चैनल भी इतने सारे हैं, पता नहीं कब लोग कौन से चैनल पर आ जाए और पब्लिक भी कन्फ्यूज़ हो जाती है। ऐसा चलता रहता है इसका, और इसका कोई भी लेना देना नहीं है। बाकी है ना, इसकी बीवियाँ भी ना ऐसी हैं कि कोई भी बात होती है ना पहले छुपती है, और अरमान मलिक बाद में बोलेगा, पहले ये बोलते हैं। और वहीं टेक्निकल गुरु जी ने भी कुछ रिप्लाई में कहा, और फ्लैंग विश्वर ने भी कुछ रिप्लाई में कहा है, वो लोग भी, मैं भी वो बात भी आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो थोड़ी आप लोगों को वीडियो दिखाने के बाद। हाँ तो सब क्या हालचाल है, एक और धमाकेदार एंट्री में ये जो चीज़ आप लोगों ने देखी ना भाई साहब, ये जो है ना फ्लाइंग विश्वर की, मुझे कहीं ना कहीं बहुत बेकार बात लगी है। जो यार वो बंदा ना एक से एक बड़े लेवल पर रोस्ट मारता है और उसका कोई कुछ नहीं, और आप लोग उसे इतना भरा बुला कह रहा, तुम सोचो यार तुम्हारी वो रीच इंक्रीज कर रहा है, वो तुम्हें रोस्ट मार रहा है, तुम्हारी क्या औकात है यार। जो अरमान मलिक ने बोला ना कि मेरे जूते का ये और वो, अब तू उसके जूते के बराबर नहीं है भाई, सही बता रहा हूँ, तू उसके जूते के बराबर नहीं है। और वो तो ये जूता फेंक के मारेगा ना, तू खुद नशीब होगा यार ये बात, क्योंकि वो बंदा बहुत अलग है, बहुत लेजेंड है। और जो वो है ना, उस जितनी उम्र में जो उसने अचीव किया है ना, तुम्हारा सारा जीवन चला गया है, समझ में आए जो वो बंदा कर रहा है, कैसे कर रहा है वो चीज़ देखो।
और उसका जो सेटअप था ना, कितना खर्चा हुआ। उसका ब्लॉग वीडियो देखना, कैरी प्रोटेक्शन पे आया हुआ भाई, कितनी मेहनत लगी होगी, कितना क्या लगा होगा कि एक एक डिटेल, एक एक चीज़। तुम लोग सिर्फ कैमरा उठा के पप 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 करने लगते हो और कुछ नहीं है। और भाई साहब इतना डेयरिंग, इतना इतना क्वालिटी, मानना तो पड़ेगा कि यार कुछ ना कुछ तो किया है, और इतने बड़े लेवल पे किया है। मज़ा आ गया वीडियो, मैंने भी देखा, ऐसी बात नहीं। बट ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अब इन लोगों की ना चौंसे चलने लगी, जब तक नहीं चलेगी, क्योंकि अभी ने पता है मुझे फेम मिल जाएगा और ज़्यादा मिल जाएगा कैरी की वजह से। यार ये सब चीज़ें तुम लोग कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अपना वीडियो बनाओ, इन्जॉय करो, और एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, सारे इन्जॉय करो। और अगर तुम्हें यही लगता है तो भाई साहब लड़ो, क्योंकि लड़ो हम जैसे लोगों को वीडियो बनाने का और मौका मिलेगा, और अच्छा सा वीडियो बनाएंगे और वायरल होंगे। बाकी तुम लोगों की लाइक समझ में जो आता है वो करो, अपने को कोई लेना देना नहीं, अपने को चाहिए कॉन्टेंट, तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।